हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ श्रुति। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जी हां, बता दें आपको कि साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। वहीं इससे पहले बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए खींचतान शुरू हो गई है। बीजेपी के 2 और जेडीयू के 3 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में पूरा हो रहा है, जिसके चलते 26 मार्च को चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने गठबंधन सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल RJD को वादा याद दिलाया है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोयल ने राज्यसभा की 1 सीट बिहार के कांग्रेस नेता के लिए छोड़ने की अपील की है। उन्होंने तेजस्वी यादव के नाम पर एक खुला पत्र लिखा है और खुला पत्र लिखते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव के वक्त महागठबंधन के नेताओं की साझा प्रेस वार्ता के वक्त RJD नेता तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा था कि RJD कोटे से राज्यसभा की 1 सीट बिहार कांग्रेस के नेता के लिए छोड़ी जाएगी। अच्छे लोगों के लिए कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। शक्ति सिंह गोहिल ने आगे लिखा, अच्छे लोगों के लिए कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। उम्मीद है कि RJD के नेता अपने वचन का पालन करेंगे। उन्होंने साफ किया कि राज्यसभा की सीट के लिए कांग्रेस की ओर से बिहार का ही कोई नेता प्रत्याशी बनेगा। उन्होंने कहा कि मेरे जैसा कोई नेता भी, यानी कि जो बिहार का मतदाता नहीं है, कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं होगा। खाली हो रही 5 सीटों में से 3 बीजेपी JDU के खाते में जाना तय। तो वहीं हालांकि शक्ति सिंह गोहिल के इस पत्र पर तेजस्वी यादव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बता दें कि मौजूदा समीकरण के लिहाज से खाली हो रही 5 सीटों में से NDA के खाते में 3 जाएंगी, जबकि 2 सीटें RJD और उसके सहयोगी दलों के खाते में जा सकती हैं। इन सीटों पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह, कहकशां परवीन, रामनाथ ठाकुर JDU कोटे से हैं, तो CP ठाकुर और RK सिन्हा BJP के खाते से राज्यसभा सदस्य हैं। बताते चले आपको कि अभी राज्यसभा में जिस तरह से चुनाव को लेकर यहाँ पर खींचतान देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो महागठबंधन है वो यहाँ पर कांग्रेस और RJD का, उस पर भी कहीं ना कहीं अब जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर संशय जो है बनता जा रहा है कि महागठबंधन जो है वो टूट तो नहीं जाएगा। वही बताते चले आपको कि बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का नाम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव चर्चित नाम है, राजनीति के विशेषज्ञ हैं। अब ऐसे में लालू यादव क्या पैंतरा अपनाएंगे? RJD को लेकर अगर बात की जाए तो जिस तरह से कांग्रेस ने खुला पत्र लिखा है और उन्हें अपने वचन याद दिलाए हैं, तो इस तरह में लालू यादव क्या फैसला लेंगे, वहीं तेजस्वी यादव क्या यहाँ पर प्रतिक्रिया देंगे, देखना होगा। वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव भी होंगे। बताते चले आपको कि साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। अब ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।